पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान इज एन नेशनल एनजीओ. हमारे मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं जिनमें से एक जो है नो योर राइट्स. इसके अलावा हम यूथ एक्शन फॉर डेमोक्रेसी एक प्रोजेक्ट है हमारा, हम यूएन के साथ मिलकर कर रहे हैं. नो योर राइट्स जो है जैसा कि हमने फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स के साथ शुरू किया था, अब वो मिनिस्ट्री जो है डिवॉल्व हो चुकी है, लेकिन वी आर स्टिल ऑनरिंग अवर पार्टनरशिप. द प्रोजेक्ट इज फंडेड बाय फाउंडेशन फॉर द फ्यूचर. एंड इसके अलावा हम मुख्तलिफ और प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, ब्रिटिश काउंसिल के साथ हम लोग काम कर. जो बेसिक आइडिया था इस प्रोजेक्ट को शुरू करने का वो ये था कि हमारे को बहुत ज़्यादा ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही है. तो यूनाइटेड नेशन ने 1948 में UDHR लॉन्च किया था, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स. अगर हम उसको देखें तो पहले से लेकर आखिर तक हमारे मुल्क में हर ह्यूमन राइट वायलेट हो रहा होता है. उस एक मसले को जो यूथ पार्लियामेंट ने जो ऑब्जर्व किया, हमारी टीम ने रिसर्च की और उसके बाद एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया. अमूमन हमारे यहाँ ये होता है कि प्रोजेक्ट्स चलते हैं, ख़त्म हो जाते हैं. ये एक बहुत सस्टेनेबल प्रोजेक्ट है कि हम यूथ की ट्रेनिंग करें और डिमांड करें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से कि वो कंपास जो हमारा ट्रेनिंग मैनुअल है काउंसिल ऑफ यूरोप का, उसको हम प्रॉपर फॉर्मल एजुकेशन के अंदर जो है शामिल करवा सकें, ताकि ह्यूमेन सोसाइटी की जो है बुनियाद पड़ सके. हमारे मुल्क में जो है जेंडर की बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन हो रही होती है, ज़बान की बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन हो रही होती है, ये जो लसानी फसादात वगैरह वगैरह तमाम डिस्क्रिमिनेशन में आप देखिए हमारे ग्रॉस वायलेशन होती हैं. राइट टू लाइफ लोगों को नहीं दिया जा रहा होता है, जस्टिस में आप देखिए तो लोगों को जस्टिस नहीं मिल रहा होता है. इवन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का तो यहाँ कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं आपको मिलेगा. यूथ पार्लियामेंट जो काम कर रही है उससे फायदे हो रहे हैं. नौजवान जो है वो समझते जा रहे हैं कि हमारे हक क्या हैं, हकूक क्या हैं. ये जो हमारे हकूक हैं, जाहिर सी बात है दूसरों के हकूक जो होते हैं वो हमारे फ़राइज़ हो जाते हैं जिनको हमने अदा करना होता है. अगर आप ये भी देखें तो काफ़ी लोगों का ये इशू हो रहा था कि जी ये जो है ये कॉन्सेप्ट जो है एक एलियन कॉन्सेप्ट है, लेकिन अगर हमने इसको जब डीपली स्टडी किया तो ये कॉन्सेप्ट वही है जो आपको खुतबा हजतुल विदा में भी मिलेगा. वहाँ जो हकूकुल इबाद बताए गए थे वही जो है ये, उसी को अंग्रेज़ों ने जेलिटेरियनिज्म का नाम दिया, यूनिवर्सलिज्म का नाम दिया, वही कॉन्सेप्ट जो है ड्रॉ के इधर आए. अभी तक हमने कराची में जो है 3 वर्कशॉप्स करवाई हैं, हैदराबाद में 1 वर्कशॉप हुई है, इसके अलावा पाकिस्तान के तकरीबन 16 दीगर डिस्ट्रिक्ट्स में हुई है. टोटल 18 डिस्ट्रिक्ट्स में प्रोजेक्ट चल रहा है और बहुत ज़बरदस्त हमें रिस्पांस मिल रहा है यूथ ऑफ पाकिस्तान की तरफ से. मुख्तलिफ जो है सोशल एक्शन प्रोजेक्ट होने शुरू हो गए हैं. जो कुछ लोग जो है वो डिसेबिलिटी को बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कि जी हमारे मुल्क में जो है एक ऐसा सिस्टम नाफिज किया जाए जहाँ पर किसी इंसान को अगर कोई डिसेबिलिटी है उसको कोई तकलीफ ना हो एक जगह से दूसरी जगह जाने में. एजुकेशन पर लोगों ने बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स इस ट्रेनिंग के बाद स्टार्ट किए. पीस पर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं हम लोग इस ट्रेनिंग को लेने के बाद. मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स शुरू हुए हैं कि हम जो है पीस को जो है प्रिवेल करें कि जी वो जो हमारे कॉमन ग्राउंड्स हैं उनको इन्फोर्स करें. यानी जिससे हम कह सकते हैं कि सेलिब्रेटिंग द डाइवर्सिटी के जो मुख्तलिफ अगर सेक्ट्स भी जो हैं या जैसे आप फिरके कह रहे होते हैं या मुख्तलिफ जो है मजाहब हैं उनमें एक क्या चीज़ कॉमन है, आपको ह्यूमैनिटी हर जगह कॉमन मिलेगी, उस एक काम को जो है हम सबसे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं. हाँ, MMC की जो मुझे बड़ी खुशी हुई थी जब मैंने कुछ दिन पहले देखा था कि आप लोग 12 रबी अव्वल का जब कवरेज दे रहे थे तो मुझे बड़ी खुशी हुई थी. मेरे जो दोस्त हैं इसमें वो बताते खुद एक जो है यूथ पार्लियामेंटेरियन है, तो हमारी यादें ताज़ा हो गई थी कि जो हमने एक कॉन्सेप्ट वहाँ से पिक किया था एक्टिव सिटीजनशिप का, क्योंकि इसको बड़े ज़बरदस्त तरीके से आगे लेकर के चल रहे हैं. और जो टेक्नोलॉजी बेस्ड हम कहते हैं कि जो डेवलपमेंट है उसमें बहुत ज़्यादा काम करें. तो MMC को मैं इस बात में मुबारकबाद दूंगा कि आपने जो एक रिवायती मीडिया का जो सिनारी है उसको आप चेंज कर रहे हैं, इंटरनेट का बड़ा ज़बरदस्त इस्तेमाल कर रहे हैं. और मुझे खुशी होगी कि आपका ये सेटअप जो है कराची से बाहर और पाकिस्तान के दीगर शहरों में फैले. शुक्रिया जी. मेरा नाम अमजद जफर अली है, मैं यूथ पार्लियामेंट में एज ए प्रोग्राम ऑफिसर काम कर रहा हूँ. मैं पिछले 1.5 साल से इस प्रोग्राम जिसका नाम नाउ योर राइट्स है, जो कि ह्यूमन राइट्स एजुकेशन पे चल रहा है, उस पर काम कर रहे हैं. हमारा ये प्रोजेक्ट पाकिस्तान के 18 डिस्ट्रिक्ट्स में चल रहा है, जिसमें पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, सिंध और आज़ाद कश्मीर के इलाके शामिल हैं. मेन इसका मकसद ये है कि हमने यूथ को ह्यूमन राइट्स एजुकेशन के हवाले से अवेयरनेस देनी है. इसके लिए हम 2 दिन की एजुकेशन अवेयरनेस वर्कशॉप देते हैं. इसमें हम पार्टिसिपेंट से किसी किस्म की कोई कोर्स नहीं लेते, सारी कोर्स यूथ पार्लियामेंट खुद बियर करती है. और इसी तरह हमारे स्टाफ हेड ऑफिस लाहौर में है, इसके चेयरमैन रबीउल हक साहब हैं जो कि इस प्रोजेक्ट को और लीड कर रहे हैं, हमें एज ए चेयरमैन लीड कर रहे हैं और यूथ पार्लियामेंट को. इस प्रोजेक्ट का बेसिक मकसद यही है कि पाकिस्तान में क्योंकि पहली नौयत का प्रोजेक्ट है जिसमें ह्यूमन राइट्स के हवाले से एजुकेशन दी जा रही है लोगों को, तो हमें इसमें मीडिया के भी साथियों का तआवुन ज़रूरी है, बाकी जितने भी यूथ है और हमारी गवर्नमेंट है उनका भी तआवुन हमें चाहिए. तो मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि आप लोग एज ए पर्सनल इस तरह लोगों को
मोटिवेट कर रहे हैं कि मीडिया पे आके अपना बयान रिकॉर्ड करवाएं, लोगों को प्रमोट करने की कोशिश में कर रहे हैं। तो मैं कंग्रेचुलेट करता हूँ मेमन वालों को कि इन्होंने एक अच्छा काम स्टार्ट किया है, तो अल्लाह ताला इन्हें कामयाबी अता फरमाए। Well, my name is Kudratullah and I have attended this workshop for 3 days. It was an interesting workshop regarding human rights. We have learned lots more things over here. हमें बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसी थी जो हमें नहीं पता थी, लेकिन इस वर्कशॉप की मदद से हमें वो चीज़ें पता चली। हमारे राइट्स वायलेट, ऐसे राइट्स हैं जो हमें पता नहीं थे लेकिन हमारे राइट्स वायलेट किए जा रहे थे, ना सिर्फ हमारे बल्कि हमारे इर्द गिर्द के लोगों के राइट्स जो थे वो वायलेट किए जा रहे थे। लेकिन इस वर्कशॉप को अटेंड करने के बाद हमें सीखने का मौका मिला। अब इंशाल्लाह ये जो कुछ सीखा हमने यहाँ से, हम अपने माहौल में, अपने कम्युनिटी में जो है वो इसको अप्लाई करेंगे और इसको, ये बातें जो हमने यहाँ सीखी इसको लोगों तक पहुँचाएंगे। दरसाल फ्रॉम माई साइड, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जीनत अंजुम है और मैं ये वर्कशॉप अटेंड कर रही हूँ। और वट एवर आई थिंक कि ये वर्कशॉप बहुत ही पॉजिटिव रोल प्ले कर रही है हमारी सोसाइटी में, इससे बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट आ रहा है और ह्यूमन राइट्स की अवेयरनेस आ रही है, क्योंकि आई एम माई सेल्फ एन स्टूडेंट और NAD से मेरा ताल्लुक़ है, बट लोग समझते हैं कि इंजीनियर्स को ह्यूमन राइट्स पे नहीं आना चाहिए। तो इसके लिए आई वुड रिकमेंड ऑल द स्टूडेंट्स फ्रॉम डिफरेंट फील्ड्स टू कम एंड अटेंड दिस कॉन्फ्रेंस, दिस वर्कशॉप, एंड इट हैज़ बीन अ वंडरफुल टाइम ओवर हियर। अदर देन दैट, माई मैसेज टू ऑल वुड बी कि अपने आप को एनालाइज करें और ह्यूमन राइट्स को वायलेट ना करें। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहम्मद सनोल्ला। इसके अंदर वर्कशॉप के आने से हमें एक चीज़ ये पता चली कि जितने भी कानून हमें मालूम नहीं थे वो हमें कानून के बारे में इल्म और आगाही हो गई हासिल। इससे पहले जितने भी यानी कि हमारे पास प्रॉब्लम्स थी, यानी कि ह्यूमन राइट्स प्रॉब्लम, वुमेंस को यानी कि प्रॉब्लम थी, यानी कि एजुकेशन के प्रॉब्लम हो गए, मसले मसाइल, जॉब्स राइट्स हमारे यानी कि जो थे, अगर एक मुल्क से कोई शख्स दूसरे मुल्क जाता है तो उसके प्रॉब्लम उसको यानी कि शेयर करने का हमें मौका मिला। हमें एक दूसरे को यानी कि पता चला कि किस तरीके से लोग आजकल यानी कि एक दूसरे का हक मार रहे हैं, यानी कि पॉलिटिकल लिहाज से भी और यानी कि सोशल नेटवर्क के हवाले से भी, यानी कि जो हमारे राइट्स हैं वो हमें नहीं मिलते जब वो। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ अनम असलम, आई एम हियर फॉर द यूथ पार्लियामेंट वर्कशॉप। एंड मैंने यहाँ पर बहुत कुछ सीखा, लाइक ह्यूमन राइट्स के बारे में सीखा जो मेरे को बहुत कम उसके बारे में अवेयरनेस थी, UDHR ह्यूमन राइट्स फॉर यूनिवर्सल डिक्लेरेशन जो है राइट है हम सब के, उनके जो UN उन्होंने पेश किया उसके बारे में हमने यहाँ काफ़ी कुछ सीखा। पब्लिक के क्या राइट्स हैं ये सीखा और जो खासतौर पर जो एक्टिविटीज़ करवाई गई उनसे बहुत ज़्यादा जो अवेयरनेस हासिल हुई और उन राइट्स को उनको अप्लाई इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत ज़्यादा हमें राइट्स मालूम। थैंक यू। हाँ, मेमन कम्युनिटी के इज मैसेज दिनो के ह्यूमन राइट्स की जरूरत पाई पूरी कम्युनिटी के। हाँ, विडानू सीखी ह्यूमन राइट्स क्लो हिता पाँच क्लो ने पाकिस्तान यूथ पार्लियामेंट असा वर्कशॉप कराई त्रे डीजो इडानू सीखी ने आप पोते कम्युनिटी में उन्नो वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन में उन्हीं ने बतानो, ऑल पाकिस्तान मेमन फेडरेशन में उन्हीं ने बतानो, ने पोते ही जमात में उन्हीं ने बतानो कि पाँच ह्यूमन राइट्स क्लो हिता ने पाँच किन तरह ह्यूमन राइट्स के फॉलो करनो है। ना आखिर में मेमन मीडिया सेल जो भी शुक्र गुजारना के ही असा इवेंट के कवरेज करे लावी ने असा के हौसला अफजाई करी। इस वर्कशॉप से पहले मुझे ह्यूमन राइट्स का बिल्कुल नहीं पता था और यानी जब मैंने ये वर्कशॉप अटेंड करी और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे काफ़ी हद तक नॉलेज हुई है कि मतलब मेरे राइट्स क्या हैं। मुझे इससे पहले अपने राइट्स का ही नहीं पता था। जैसे ये हमारे ट्रेनर्स उन्होंने बहुत अच्छी ट्रेनिंग करी है और बहुत अच्छा समझाया है, गॉड ब्लेस देम। ये भी पता चला है कि दूसरों के राइट्स की कैसे केयर की जाती है और इससे ये ही पता चला है कि दूसरों के जो राइट्स हैं उनका कैसे ख्याल किया जाता है
उनमें सब हमारे फैमिलीज के मेंबर्स, हमारे दोस्त या हमारी सोसाइटी के सब लोग शामिल हो जाते हैं, जिनके बारे में हमें यूथ पार्लियामेंट ने जो वुमेन राइट्स ऑर्गेनाइज करवाया था, जो हम 30 पार्टिसिपेंट ने यहाँ आके टाइम स्पेंड किया था, इससे पहले हमें इस वुमेन राइट्स के बारे में, इंसानी हकूक के बारे में नहीं पता था, नील थे, हमें कुछ नहीं पता था इसके साथ किस तरह सलूक करना है। इसके वुमेन राइट्स के बाद यहाँ अटेंड करने के बाद हमने बहुत कुछ सीखा और सीखने को मिला एक्टिविटीज़ की, और इस तरह होना चाहिए यूथ के लिए, क्योंकि अगर इस तरह से इस तरीके से वुमेन राइट्स ऑर्गेनाइज होते रहे तो यूथ के जो अवेयरनेस आएगी यूथ में, और वो जाके अपने एरिया में अप्लाई करेंगे। मैंने जो सीखा, मैं अपने लोकेलिटी में जहाँ मेरे फ्रेंड्स हैं, इन सबको बताऊंगी कि हकूक क्या है और इसे हमें सीख कर करना चाहिए। जी, ये वर्कशॉप अटेंड करने के बाद जो है बहुत अच्छा मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा अवेयरनेस क्रिएट हो गई मेरे अंदर और यंगस्टर्स के अंदर, यू नो। इससे पहले ह्यूमन राइट्स के बारे में कुछ भी नहीं पता था कि मेरे अपने ह्यूमन राइट्स क्या हैं और मैं कितने ह्यूमन राइट्स हैं जिन्हें मैं वायलेट कर रहा हूँ, लेकिन ये काफ़ी इंफॉर्मेटिव साबित हुई मेरे लिए, और मैं चाहता हूँ कि ऐसी वर्कशॉप्स होती रहनी चाहिए, और इसके लिए मैं इंतहाई मशहूर हूँ यूथ पार्लियामेंट पाकिस्तान का कि जिन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट ये वर्कशॉप कंडक्ट की हमारे लिए। थैंक यू वेरी मच। It had been a very good session with the Youth Parliament of Pakistan. I thank everybody here at it was a very healthy session. I thank Andil Bhai, Amar Bhai, Sidra, Ms. Sidra, and all my colleagues. They had been very cooperative, and I suppose this workshop helped me in realizing my own human rights. And I wish I can prove myself to be a very good human being by following human rights and giving others rights, live and let live. Thank you very much. ये session बहुत ज़बरदस्त था और बहुत ज़्यादा counseling की गई है, और इस तरह के workshops होने चाहिए। I guess मैं suggest करता हूँ कि हमारे जो educational institutes हैं, domestic education schools जो हैं, जो हमारे government schools हैं, उसमें ये जाके इस तरह के वर्कशॉप्स करने चाहिए ताकि जो बच्चे पढ़ रहे हैं वहाँ पे उनकी काउंसलिंग हो, उनमें अवेयरनेस पैदा हो, ताकि हमारा जो फ्यूचर है पाकिस्तान का उसको प्रमोट किया जाए। और जहाँ तक इस वर्कशॉप के एंडिंग का सवाल है, यहाँ पे मैंने 3 दिन यहाँ पे ट्रेनिंग ली है, इट्स ऑसम एंड इट्स वेरी वेरी इंफॉर्मेटिव, जो कि ये वर्कशॉप हमें आगे जाके बहुत काम भी आ सकती है, और बहुत ज़्यादा सीखा है। और मैं सजेस्ट भी करूँगा कि लोग इस तरह के वर्कशॉप्स, यूथ पार्लियामेंट जो कि बेसिक प्लेटफॉर्म है जिसने ये चीज़ को प्रमोट किया है, और आई एम वेरी थैंकफुल टू यूथ पार्लियामेंट कि इस तरह के इन्होंने किया और ये करते रहे इस तरह की, अब इसमें डिफरेंट कैटेगरीज को प्रोमिनेंट करते रहे तो हमारे लिए अच्छा है। जी तो नाज़रीन, हमने जाने नौजवानों से इंसानी हकूक के बारे में ख्याल, इन्हीं इंसानी हकूक के पैगाम को अगर हम अपने तालीमी निसाब में भी शामिल कर लें तो हर नौजवान और हर बच्चा और हर शहरी इंसानी हकूक के बारे में आगाही हासिल कर सकता है। इसी पैगाम के साथ कैमरामैन अब्दुल बासित के साथ शेख